अच्छा गणराज्य दिवस का ये हार्दिक शुभकामनाएं और इसके ऊपर आप मैं भी गणतंत्र दिवस का शुभकामनाएं सारे नामरूप वासियों को देता हूं, मेरा BBFCL का सारा परिवार का सदस्यों को भी देता हूं। आज एक जैसा भारतवर्ष जो है अभी उत्सव मुखर है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो वार्ता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं और अगले साल जाके ये ख़त्म होगा, और सारे लोग एक श्रेष्ठ भारत बनाने में जुड़े हुए हैं, जिसमें BBFCL भी शामिलदार है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि BBFCL का रूप जैसा चेंज होते जा रहा है, और भी कुछ शुभ खबर आएगा जो भी और भी चेंज हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में देखा ये बाहर से असम और बाहर से भी कोई हम लोग का मेहमान आया है, उसके ऊपर आप देखिए BBFCL जैसा पहले एक नॉर्थ ईस्ट का कंपनी जाना जाता था, लेकिन मैं जैसा बोला कि मेरा स्पीच में भी बोला हूँ कि हम लोग अभी आज की तारीख में और 5-6 राज्य में, जैसा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और MP, सभी राज्यों में हम लोगों ने अपना पंख फैला चुके हैं, हमारा मार्केटिंग नेटवर्क है। लेकिन हम वहाँ का जो बेस्ट डीलर लोग है उनको यहाँ बुला के हर गणतंत्र दिवस में या स्वाधीनता दिवस में दिखाना चाहते हैं कि BBFCL क्या है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस करते हैं, हमें बिजनेस देते हैं, लेकिन उन्हें ये भी पता होना चाहिए हम किसी कंपनी के साथ जुड़े हैं और कंपनी का कल्चर कैसा है। तो इसीलिए ये एक प्रयास है, छोटा सा प्रयास है, और इसी प्रयास में मेरे को लगता है कि पिछले जो दो गया, एक गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस जो गया, जो जो डीलर लोग आए सारे लोग खुश है कि नहीं हम लोग एक अच्छे कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। और कल सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर के साथ असम का चीफ मिनिस्टर का एक बैठक हुआ था, उसके ऊपर आप कुछ बोल सकेंगे? देखिए, जो आपको भी जैसा पता है मुझे भी वैसा ही पता है कि कल ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का चेयरमैनशिप में कल असम का चीफ मिनिस्टर से भी थे, और असम का जो गवर्नमेंट का भी कुछ ऑफिसर्स थे, और यहाँ के MLA तरंग गोगोई जी भी थे, और वहाँ से जैसा फाइनेंस डिपार्टमेंट, आपका फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट और नीति आयोग, बाकी आपका पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, सारे पदाधिकारी थे, और वहाँ पे नामरूप 4 के लेके काफ़ी विशद में चर्चा हुआ है। और जैसे कि पता चल रहा है कि बहुत जल्दी इसके बारे में फिर से एक सेकेंड मीटिंग होगा, और जिस मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा, इतना बोल सकता हूँ कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। नामरूप 4 दिशा निर्देश जो चल रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आया है क्या? नहीं, हमें इसके लिए कुछ डाटा मांगा गया था, असम सरकार का द्वारा भी मांगा गया था, मेरे को कल सुबह भी मांगा गया था, परसों शाम को भी मांगा गया था, प्लस हमारा मिनिस्ट्री भी जो डाटा वगैरह प्रोवाइड करना है वो भी हम लोगों ने BBFCL की तरफ से सारा चीज़ दिए हैं, और वो भी डिस्कशन का पॉइंट था। तो अभी जैसे भी हो नामरूप 4 को लेके वो डिस्कशन खूब सीरियस मोड में है, और जल्दी ही आप लोग को कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। आप आश्वस्त हो सकती हूँ मतलब? हाँ, तो देखिए 2005 से ये सिलसिला चालू हुआ है, आज हम लोग 2021-22-23 हो गया है, 18 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो अभी लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री है और ये जो ऑनरेबल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सरकार है, प्लस एक आपका तेजस्वी हमारा फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी है, तो ये जो कम्बिनेशन है, ये जोड़ी कुछ अनहोनी को भी होनी कर देता है। तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्दी कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है। थैंक यू। अशोक असरानी, पायल फटलर, रायपुर, छत्तीसगढ़ से। मैं विगत 25 साल से इस इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा कल्चर देखा कि किसी कंपनी ने अलग अलग स्टेट से डीलर को बुलाया और अपने कल्चर से मिलवाया। प्लस यहाँ पर मैं एक चीज़ और देखा भी, साहब से तो कंपनी से जुड़े मेरे को 6 महीना हुआ है, लेकिन जो कंपनी जिस दिशा में जा रही है उसके लिए पूरा श्रेय मैं CMD साहब को देना चाहता हूँ कि उन्होंने वैसा एक माहौल क्रिएट कर दिया है कंपनी में जिससे कंपनी के सारे लोग काम कर रहे हैं। और अपने लक्ष्य से पहले ये कंपनी कही जाती थी 250 करोड़ में टर्नओवर था, अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 700 करोड़ हो गया कल मुझे पता चला। मुझे बड़ी खुशी हुई। वो क्या रहा है, जो भी कंपनी अगर ग्रो कर रही है सबको काम मिल रहा है, अगर ग्रो नहीं कर रही है, यही जो ये यूरिया बन रहा है ये डबल दाम में हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, और यहाँ जब बनता है तो आधे दाम में बनता है, इससे सब्सिडी का पैसा देश का बच रहा है, देश का पैसा बच रहा है तो हमारे टैक्स का ही वो एक पार्ट है। तो साहब का जो विजन है वो सबको लेके चल रहे हैं कि जो प्लांट के भी जो मेंबर हैं, डीलर लोग हैं,
अलग से मैं 25 साल में किसी कंपनी में नहीं देखा कि इस टाइप का कल्चर है। जिस टाइप का कल्चर यहाँ मुझे मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई और उम्मीद है कि ये जो कंपनी है बहुत आगे जाएगी। असम आने से पहले बीबीएफसीएल के साथ तो आप बहुत साल से जुड़ा है? नहीं, हम तो 6 महीने से जुड़ा, 6 महीने। हम दूसरे कंपनियों से 25 साल से जुड़ा है। दूसरे लोग जो हैं, दूसरे कंपनी के जो भी हायर मैनेजमेंट है, कभी भी वैसा सोचते नहीं है जैसा साहब की सोच है। तो वो सोच के कारण ही जो है ये कंपनी आगे बढ़ रही है। आज ये प्लांट चल रहा है, शहर चल रहा है, अर्निंग हो रही है, जहाँ भी माल जाता है वहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। हम व्यापारी, हम किसी को बेचते हैं वो किसान को मिल रहा है, एक चैन जुड़ा हुआ है। तो मैं तो अपने बच्चे को भी बोला, मेरा बेटा है 23 साल का, मैंने बोला तुम एक आध हफ्ता जो है यहाँ रहो तो कुछ सीखोगे कि एक आदमी कंपनी का इतने सारे लोगों को कैसे एक परिवर्तित मूड मिलेगा। ये मेरे लिए बहुत सीखने का वो है। कितना साल से जुड़ा है बीबीएसएल के साथ? बीबीएसएल से हम तो 2 महीना से जुड़े हुए हैं, तो अभी नया हुआ है। कैसा लगा आके असम आके? बहुत अच्छा लगा, सर के साथ काम करके भी अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मैं तो एम्प्लॉई हूँ एज सीनियर मैनेजर सुनील कुमार त्रिपाठी, जोनल इंचार्ज ऑफ जोनल ऑफिस जो कोलकाता में खुला है वहाँ का मैं जोनल इंचार्ज हूँ। ये सारे डीलर हमारे जोन से आए हुए हैं। तो सब लोगों को जो यहाँ पे अभी मैं यही पूछ रहा था, आप लोगों को कैसा लगा? बोले बहुत ही अच्छा लगा, जैसे असरानी जी ने बताया कल्चर है। अभी मैं इनको सबको लेके गया, अपने दोनों स्कूल में लेके गया, अभी मॉडर्न दोनों मॉडल स्कूल में लेके गया, वहाँ सरस्वती पूजा हो रहा है, उसके बाद प्रसाद यहाँ आसाम का जो पीठा, वो कल्चर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। अभी स्टेप बाय स्टेप अभी जस्ट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, तो ये लोग पूरे हैप्पी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे, व्यापारी अगर जुड़ जाएगा मेरे साथ में एज ए मार्केटिंग पर्सन, तो हमारा इनका लाभ होगा, तो हमारी कंपनी का लाभ होगा, तो हम लोगों का सबका ग्रोथ होगा। हम कम हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये जो आपका बीबीएफसीएल जितना दिन हम वेस्ट बंगाल से बिजनेस स्टार्ट किया था उसी 1.5 साल लगभग हो रहा है। तो पहले से हम आया था इनका कंपनी के साथ, बाद बाकी आरो अदर्स कंपनी के साथ काम करना है, लेकिन ऐसा आपका शेयर करना चाहिए जो बीबीएफसीएल जो नया सीएमडी आ रहा है ये एक अलग जगह का पहुँचा देंगे, कि हमारा आदरणीय जो प्रधानमंत्री है ना उनका जो सपना जो आपका आत्मनिर्भर भारत, ये प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ये होने का एक अलग कदम बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा लगा रहा है इस कंपनी से काम करने के लिए। ये आसाम को जो परिवेश है हमारा बहुत अच्छा लगा है। पहले बार आए हैं? हम सेकंड टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आया तो सेकंड टाइम 2 दिन में था। विनोद अग्रवाल उड़ीसा से, नॉर्मू डिस्ट्रिक्ट से। कितने साल से है बीबीएफसीएल के साथ जुड़ा हुआ? अभी 6 महीना हुआ है मेरे को जुड़ के, लेकिन इनके साथ जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी इन्होंने मेरे को बुलाया यहाँ आसाम नामरूप में, तो पहले कभी आया नहीं था। यहाँ का कल्चर, यहाँ का लोगों का बिहेवियर देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो हर टाइम चाहूँगा मैं आसाम आऊँ, यहाँ पर घूमूँ और यहीं पर रहूँ नामरूप जरूर।